where both feet must touch the floor below. बस 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 भाई लोग, अब खत्म करो ये फाइट। हो गया, खत्म हो गया आईपीएल। पता है मेरे को, पिछले दो महीने से आपका दोस्त दोस्त ना था। पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत फाइट की होगी आपस में। यही नहीं, आपकी टीम अलग, आपके पापा की टीम अलग होगी। पर अब बस हो गया आईपीएल, अब हमें मिलकर अपने टीम इंडिया को सपोर्ट करना है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप चालू होने ही वाला है। और अब कोई गिले शिकवे नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई भू नहीं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या फिर हार्दिक पांड्या। भाई जयशा मालिक ने हमें बहुत इंटरटेन किया पूरे आईपीएल में, और अब मालिक T20 वर्ल्ड कप में भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं। बस ये नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये सोचना भी नहीं है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और भाइयों, ये है हमारी T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड, जहाँ पे आपको ये नए चेहरे दिखाई देंगे, जैसे कि संजू बाबा, शिवम दुबे और हमारे चीकू भाई, रोहित भाई और बुमराह भाई तो है ही, पर क्या ये इंडियन टीम ये वाला वर्ल्ड कप जीत सकता है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। पहले तो इंडिया ने जैसे ही अपनी जर्सी रिवील की, तो बहुत से लोगों को ये गोकुलधाम प्रीमियर लीग की इंस्पिरेशन लगी। पर भाई लोग, जैसे जैसे प्लेयर्स फोटो पोस्ट कर रहे हैं जर्सी के साथ, तो अब सच में वाइब्स आ रही है वर्ल्ड कप की। भाइयों, सबसे पहले देखो कि टीम इंडिया कौन से ग्रुप में है और मैचेस कौन कौन से है। पहले तो शॉक मत हुई है, क्योंकि 20 टीमें हैं इस वर्ल्ड कप में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 20 टीमें। मतलब यूएसए, कनाडा, स्कॉटलैंड, ओमान, नामीबिया, युगांडा, नेपाल जैसी गली क्रिकेट वाली टीम भी ऐड कर दी है इसमें। हैं? ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बेसिकली 4 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 5 टीमें हैं, और इंडिया है ग्रुप ए में, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए है। इंडिया का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ है, और दूसरा मैच इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, द ग्रेटेस्ट राइवलरी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 9 जून को है, जहां पे पड़ोसियों को हमें तहलका ऑमलेट बना के खाना है। वैसे देखा जाए तो ग्रुप ए में टॉप 2 में फिनिश इंडिया और पाकिस्तान ही करेगी, अगर पाकिस्तान कुछ गड़बड़ नहीं की तो। वरना ये आयरलैंड, यूएसए जैसी टीम से हारने लगे तो क्या ही फायदा इनका खेल के। मतलब लीग स्टेजेस की अपनी 4 मैचेस खेलने के बाद इंडिया नॉकआउट्स में 3 मैचेस खेलेगी, फिर उससे डिसाइड होगा सेमीफाइनल और फाइनल। तो लीग स्टेजेस की कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉकआउट मैचेस में संभाल लेना, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमें आएंगी और यहीं पे असली खेल चालू होगा। रोहित भाई, भूल जाओ सब कुछ जो भी पीछे हुआ, अफकोर्स आप तो भूल ही गए होंगे। मरना है क्या भोसड़े के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? मोमो, मेरा मतलब है भूल गए होंगे, बहुत देर हो गई है ना। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। पर अब सिर्फ फोकस T20 वर्ल्ड कप में। हाँ, बाकी चीकू भाई, बुमराह, जड्डू, सिराज, हार्दिक पंत तो है ही, तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, ये वाला वर्ल्ड कप तो बस अपना ही है। तो भाई लोग, आपको कैसी लगी इंडियन टीम, और क्या ये वाली टीम वर्ल्ड कप जिता सकती है? कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को भी लाइक कर देना। और वर्ल्ड कप में ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ, तब तक खुद का और फैमिली का ख्याल रखना।